गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथ्स बुक ओपन दी पेज नंबर दन ट्वेंटी स्टार्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ में क्या आएगा आपका देखो वी फेस डिफिकल्टी टू मेजर द एक्यूरेट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग आर बॉडी पार्ट्स टू मेजर द एक्यूरेट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एक्चुअली क्या होता है हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं अपनी या बॉडी पार्ट्स को तो उसको मेजर करने के लिए उन लेंथ के और उन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ इसमें क्या होता है सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं मीटर मीटर जो है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर से हम चीज़ को मेजर कर सकते हैं नाप सकते हैं वी कैन ई सी द मीटर स्केल और मीटर रोड इन द क्लॉथ शॉप कभी आपने देखा होगा मीटर वाला स्केल होता है वो लंबा वाला जो फीता होता है उसे मेजर करते हैं या हम लोग कभी शॉप पे जाते हैं कुछ क्लॉथ हमें परचेज करना है तो हम उनके पास क्या होता है एक मीटर रोड होती है एक बड़ा वाला स्केल होता है मीटर वाला जिससे वो मेजरमेंट लेते हैं तो वो हम वो क्या है स्टैंडर्ड ड्यूटी हमारी लेंथ क्या है मीटर हम मीटर से किसी चीज़ को नाप सकते हैं सेकेंड हमारा क्या अगर हमें किसी भी छोटी चीज़ को मेजर करना है स्मॉलर डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे सी एम सी एम मीन सेंटीमीटर ओके अगर हमें सेंटीमीटर का अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है आई थिंक यू ऑल हैव हैवी ज्योमेट्री बॉक्स सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा सबके पास स्केल भी होगा स्केल में हमारा क्या होता है सेंटीमीटर्स होता है तो जो लेंथ होती है रूलर की वो फिफ्टीन सेंटीमीटर होती है जो स्केल की जो हमारी लेंथ होती है वो कितनी होती है फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके तो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ये टू जो है हमारी मेन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं मीटर एंड सेंटीमीटर थर्ड हमारा क्या है फॉर मेजरिंग लार्जेस्ट डिस्टेंस अगर हमको लंबा डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं किलोमीटर का अगर हमें मान लो सड़क का मेजरमेंट लेना है अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किसका डिस्टेंस मेजर करेंगे किलोमीटर्स का तो किलोमीटर अगर हमें रोड्स का मेजरमेंट लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे किलोमीटर का द किलोमीटर स्टोन शो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस दो जगहों का बीच का जो ना रास्ता होगा नापना होगा हम किससे नापेंगे किलोमीटर से ओके नाउ ओपन द पेज नंबर वन ट्वेंटी नाइन फिल इन द ब्लैंक्स द लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर हमारी जो पेंसिल की लेंथ है हम किससे मेजर करेंगे सेंटीमीटर से सेकेंड लेंथ ऑफ पिलर ऑफ योर हाउस इज मेजर्ड इन मीटर मान लो हमारे घर में जो पिलर लगे हैं उसको हम किससे नापेंगे लार्जर डिस्टेंस है तो किससे मेजर होगा वो मीटर से ओके तो फिर राइट हेयर एम थर्ड लेंथ ऑफ योर पेन पेन की लेंथ हम किससे मेजर करेंगे सेंटीमीटर से तो वी राइट हेयर सी एम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पोल एक खम्भे की पोल है सॉरी एक, एक बिजली का खंबा है तो उसके हम मेजर कैसे लेंगे मेजरमेंट कैसे लेंगे सेंटीमीटर में तो नहीं लेंगे पोल इज ऑल्सो बिग डिस्टेंस पोल जो है हमारा बड़े डिस्टेंस में आता है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे मीटर से लेंथ ऑफ योर फिंगर हमारी फिंगर जो है देखो सब लोग अपने अपने फिंगर चेक करो स्मॉल है फिंगर तो फिंगर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर से तो वी राइट हेयर सी एम नेक्स्ट हाइट ऑफ मैंगो ट्री एक पेड़ की ट्री एक मैंगो ट्री की हम अगर हम हाइट को चेक करेंगे तो मीटर में चेक करेंगे ना और डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज दो सिटीज़ का जो डिस्टेंस है वो हम किससे मेजर करेंगे किलोमीटर से ओके नाउ नेक्स्ट देखो उसके नीचे डन ओके मेजरमेंट ऑफ वेट अगर हम वेट को देखेंगे तो वेट में हम किलोमीटर मीटर तो नहीं लेंगे वेट में एक हैवी और एक लाइट तो ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड एंड द एनिमल अब नीचे देखिए हैवी हैवी क्या है एलिफेंट या डॉग एलिफेंट इज हैवी एंड डॉग इज लाइट तो हैवी को हम एलिफेंट के साथ मैच करेंगे एंड लाइट को हम डॉग के साथ मैच करेंगे ओके डन नाउ टर्न द पेज ओपन द पेज नंबर वन थर्टी अब इसमें क्या है ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड एंड द चाइल्ड अब हैवी और लाइट में देखिए वर्ड को मैच करना है और हैवी को मैच करना है सॉरी वर्ड को मैच करना है और चाइल्ड को मैच करना है तो हैवी क्या है इसमें क्या है जिधर वेट ज़्यादा होगा वो चीज़ नीचे आ जाएगी वेट ऊपर हो गया मीन्स वो हैव लाइट हो गया तो बॉय का जो है हम हैवी के साथ मैच करेंगे और गर्ल को लाइट के साथ मैच करेंगे डन अंडरस्टैंड ओके नाउ नेक्स्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का वेट चेक करेंगे तो कैसे करेंगे सम वेट्स यूज बाय शॉपकीपर्स आर गिवन हम लोग जैसे शॉप में जाते हैं मान लो हम लोग सब्जी वाले के पास गए शॉपकीपर उसके पास जाते हैं ग्रोसरी वाले के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है उनके पास वो होते हैं वेट uh, चेक करने वाले के में जिसे हम बट्टे कहते हैं वन के का 500 ग्राम का 100 ग्राम 50 ग्राम 20 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम इन सबके वेट्स होते हैं तो शॉपकीपर जो है वो यूज़ करता है इसको कि ये बैलेंस करके देखता है उसको ओके जैसे हमें राइस लेना है या फिर वीट लेनी है दालें लेनी है वेजिटेबल फ्रूट लेना है तो हम लोग वो वेट करके हमको देता है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं अगर मान लो कि हमें छोट थोड़ी चीज़ लेनी है कोई मान लो हमें लिया है हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक टी बैग लिया है तो उसका वेट वो बहुत छोटा होता है तो उसका वेट हम किससे मेजर करेंगे ग्राम से वो के जी में नहीं आएगा किलो में नहीं आएगा ग्राम में आएगा तो उसके लिए ग्राम का हम कैसे यूज़ करते हैं जी और मान लीजिए अगर हमें कोई बड़ी चीज़ लेनी है मीन्स हमें पोटैटो लेने हैं मैंगो लेने हैं तो वो किस में आएगा के जी में के जी में मतलब किलोग्राम में ओके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेंसिल का वेट है तो पेंसिल का वेट हम मेजर करेंगे ग्राम में और टेबल का वेट हम मेजर करेंगे किलोग्राम में अंडरस्टैंड नाउ टर्न देज पेज नंबर वन थर्टी वन फिल इन द्लैंक्स द मैंगो वेट्स मैंगो का वेट देखिए कितने के जी का यहाँ पड़ा हुआ हंड्रेड ग्राम का द मैंगो वेट इज़ हंड्रेड ग्राम नेक्स्ट एप्पल वे वन के जी एंड टी वे हंड्रेड ग्राम पोटैटोस वेट टू के जी एंड द पेन वेट इसमें आपको हैवी और लाइट का यूज़ करना है पेन का वेट क्या है द पेन वेट डैश टेन फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम का भी हैवी होगा तो पेन वेट लाइटर आएगा आपका ओके अंडरस्टैंड नाउ टर्न द पेज नंबर वन थर्टी थ्री अब इसमें हमें क्या करना है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी अब इसमें हमें कोई लिक्विड चीज़ की कैपेसिटी चेक करनी है कि इसमें कितना आपका Uh, कोई भी कितनी चीज़ ज़्यादा आती है तो टिक द वन विच होल्ड मोर वाटर लुक एट द फर्स्ट वन इसमें आपको देखना है कि बकेट में ज़्यादा वाटर आता है कि एक कप में वाटर आता था इसमें बकेट में टिक लगा हुआ है इसमें ज़्यादा कैपेसिटी uh, होगी ज़्यादा वाटर होल्ड होगा इसमें सेकेंड इज़ अ कप एंड अ केटल अब आप बताइए कप में ज़्यादा वाटर होल्ड होगा या फिर केटल में कैटल में होगा ना तो टिक दैटल केटल को टिक करेंगे हम थर्ड आपका क्या है एक पॉट है और एक स्मॉल कैटल टाइप में है तो किस में आप टिक करोगे बड़े वाले पॉट में ओके okay? फोर्थ एक छोटा आपका बर्तन है एक बड़ा आपका बर्तन है तो उसमें किस में आप टिक करोगे बड़े वाले में इसमें ज़्यादा वॉटर वाटर होल्ड होगा ई में आपका क्या है एक बड़ा गिलास है और एक आपका छोटा गिलास है तो किस में ज़्यादा वाटर होल्ड होगा बड़े वाले में तब उसको टिक करोगे अंडरस्टैंड डन सबको समझ में आया ओके नाउ ओपन पेज नंबर 134 लास्ट डिफरेंट कंटेनर्स विद सेम कैपेसिटी अब आपको मैं ये समझाती हूँ इसमें क्या है इसमें क्या है अलग अलग कंटेनर है बट उनकी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल सेम है फॉर एग्जाम्पल एक जग है और एक बाउल है जग की कैपेसिटी भी सेम होगी और बाउल की कैपेसिटी भी सेम है बट उनका शेप्स में फ़र्क है तो क्या है कि रोहित इस फीलिंग अ जग एंड अ बाउल विद अ ग्लास ऑफ वाटर रोहित जो है वो जग में पानी फिल वाटर फिल कर रहा है ओके और एक बाउल में वाटर फिल कर रहा है तो फर्स्ट ही फिल अ जग पहले उसने जग फिल किया वाटर से फिर उसने जग को फिल किया टू ग्लास ऑफ वाटर से नाउ ही फिल द बाउल विद द सेम ग्लास ऑफ वाटर अब उसने उसी जिससे उसने जग को फिल किया उसी से उसने आ, बाउल को फिल किया एंड विद विच ही नीडेड टू ग्लास ऑफ वाटर टू फिल द बाउल बाउल को फिल करने के लिए उसे दो ग्लास चाहिए थे कैन वी गैस वाई इट इज़ सो बिकॉज बहुत अच्छा एंड बाउल हैव सेम कैपेसिटी क्योंकि जितना वाटर उसमें लगा उतना ही वाटर उसमें लगा दोनों की कैपेसिटी सेम है बट कंटेनर अलग है नाउ इट्स यर एक्सरसाइज कि टू कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स में हैव सेम कैपेसिटी इसमें क्या हो सकता है कि जो दो कंटेनर्स हैं अलग अलग शेप के बट उनकी जो कैपेसिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी नाव रवि हैज़ अ बॉटल फिल्ड विद वाटर रवि के पास क्या है बॉटल्स हैं जिसमें उसने वाटर फिल किया है फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट वेसल्स अब इसमें एक टेबल में मैं अलग अलग वेसल्स शो किए हैं और एक साइड में मैं नंबर ऑफ बॉटल्स है रवि नीड्स टू फिल दैम नाव लुक एट द फर्स्ट वन फर्स्ट वेसल में क्या है कितनी बॉटल्स चाहिए थी उसको थ्री सेकेंड वेसल में थ्री थर्ड एक बकेट है तो कितना आ गया थर्टी बॉटल्स नाओ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वन हाउ मेनी वेसल्स हैव सेम कैपेसिटी अब कितने ऐसे वेसल्स हैं जिसमें सेम कैपेसिटी है नाउ लुक एट द फर्स्ट वेसल फर्स्ट वेसल में कितने नंबर ऑफ बॉटल्स यूज हुई थ्री सेकेंड वेसल नंबर ऑफ बॉटल्स थ्री तो वी हैव टू वेसल्स दो वेसल्स ऐसे हैं जो सेम कैपेसिटी के हैं तो वी राइट है टू बी वन हाउ मैनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द वेसल्स कितने बॉटल्स इतने रिक्वायर हुए हैं कितने बॉटल्स रिक्वायर होंगे टू फिल ऑल द वेसल्स अब तीनों वेसल्स को तीनों कंटेनर्स को अगर हमें वाटर फिल करना तो कितनी बॉटल्स उसको रिक्वायर होंगे लुक एट द फर्स्ट वन नंबर ऑफ़ बॉटल थ्री सेकेंड वेसल में नंबर ऑफ बॉटल थ्री थर्ड वेसल में नंबर ऑफ बॉटल थर्टी तो थर्टी प्लस थ्री प्लस थ्री कितना हो गया टोटल नंबर थर्टी सिक्स बॉटल्स आर रिक्वायर टू फिल दी वेसल्स तो वी राइट थर्टी सिक्स इन द बी वन Understand? Okay. So now your chapter is completed. From Monday onwards, we start our chapter number 14. Okay. Thank you.